गुड डे टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में आपने बहुत कुछ सीख लिया है, जैसे कि आपने एडिट मेनू और व्यू मेनू के कुछ ऑप्शन के बारे में सीखा था। जैसे कि आप जानते हैं, यह आपकी प्रैक्टिस क्लास है। इस क्लास में आप पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले कुछ प्रश्नों पर बातचीत कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं सिलेक्शन मोड में स्टैंडर्ड और ब्लॉक एरिया मोड में क्या अंतर होता है? सिलेक्शन मोड में स्टैंडर्ड सिलेक्शन के उपयोग से आप किसी भी लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो वह लाइन वैसे ही सेलेक्ट होगा, और ब्लॉक एरिया की मदद से ब्लॉक एरिया जहां पर आप पॉइंटर लेके जाएंगे सिर्फ वहीं तक सेलेक्ट करेगा। क्या आप बता सकते हैं ऑटो टेक्स्ट से क्या होता है? ऑटो टेक्स्ट की मदद से आप उस टेक्स्ट अथवा पैराग्राफ को एक बार टाइप करने के बाद एक शॉर्टकट की के द्वारा उसका उपयोग आप बार बार कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं पेस्ट स्पेशल विकल्प का उपयोग क्यों किया जाता है? पेस्ट स्पेशल की मदद से आप अलग अलग तरीके से टेक्स्ट अथवा पैराग्राफ को पेस्ट कर सकते हैं। क्या आप सभी जानते हैं चेंज विकल्प का उपयोग क्यों करते हैं? चेंज विकल्प की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को देख सकते हैं। उसमें अगर कोई यूजर कुछ भी चेंज करता है तो वह आपको कलरफुल फॉर्मेटिंग में दिखाई देगा। क्या आप बता सकते हैं फील्ड नेम्स का उपयोग क्यों करते हैं? फील्ड नेम की मदद से आप फील्ड कंटेंट की जगह आप फील्ड नेम को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपने व्यू मेनू के फील्ड नेम विकल्प को सेलेक्ट नहीं किया है तो आप डेट टाइम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, इसकी जगह पर उसके फील्ड नेम लिखा आएगा। क्या आप बता सकते हैं फील्ड सेटिंग से क्या होता है? फील्ड सेटिंग के मदद से आप फील्ड नेम जैसे कि डेट, टाइम, पेज नंबर और पेज काउंट इत्यादि से सेटिंग को हटा सकते हैं और सेटिंग को लगा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर को ऑन करें और फिर राइटर की फाइल को ओपन करें। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्या आप सभी ने फाइल को ओपन कर लिया है? अब आप दिए गए पैराग्राफ को टाइप करें। क्या आपने पैराग्राफ टाइप कर लिया है? अगर नहीं टाइप किया है तो जल्दी से टाइप करें। अब आप अपने लाइन के टेक्स्ट के कलर को बदलें और पैराग्राफ में जहां जहां पर अंडरलाइन और बोल्ड की फॉर्मेटिंग की गई है वैसा करके दिखाएं। आप चाहें तो फॉन्ट नेम की मदद से पैराग्राफ का फॉन्ट स्टाइल भी बदल सकते हैं। क्या आप सभी ने ये फॉर्मेटिंग कर ली है? अगर कोई समस्या हो तो अपने टीचर से पूछें। आइए अब पिछली क्लास का अभ्यास शुरू करते हैं। अब आप पेस्ट स्पेशल की मदद से आप इस पैराग्राफ को कॉपी और उसे दूसरे पेज पर पेस्ट करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि पेस्ट स्पेशल विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं, इससे क्या होता है। इसके लिए आप सभी अपने लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद एडिट पे जाएं। कॉपी करने के बाद एडिट पे जाएं, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक कर दें। इसमें से अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। यह आपका बिना फॉर्मेट में टेक्स्ट आ गया क्योंकि हमने वहां पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था। दोबारा से सेलेक्ट करें, एडिट पर जाएं, कॉपी कर लें, अपने कर्सर को वहां पे लेकर जाएं जहां पे पेस्ट करना है। फिर आप पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करें, वहां पे फॉर्मेटेड टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें। जिसे देखें कि अब आपका सेम वैसे ही फॉर्मेटेड टेक्स्ट आ जाएगा जैसे आपके सेलेक्ट किए हुए लाइन में है। इस तरह से आप पेस्ट स्पेशल विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
अब आप ऑटो टेक्स्ट की मदद से एक लाइन टाइप करें और उसके शॉर्टकट तरीके से उपयोग करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि ऑटो टेक्स्ट विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। ऑटो टेक्स्ट के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को फाइल पे जाएं, न्यू डॉक्यूमेंट को लें, उसके बाद कुछ लाइन को टाइप करें, एक लाइन को टाइप करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। टाइप करने के बाद लाइन को जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, जैसे जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे लाइन को टाइप कर लें। कुछ लाइन को टाइप करें, एक लाइन को टाइप करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। टाइप करने के बाद आप अपनी इस लाइन को सेलेक्ट कर लें। एडिट पे जाएं, ऑटो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें, नेम के अंदर कोई भी टेक्स्ट दे लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद ऑटो टेक्स्ट पे जाएं, एडिट को सेलेक्ट करें या फिर यहां शॉर्टकट पे एडी टाइप करें या आप भी कुछ भी शॉर्टकट दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। उसके बाद ऑटो टेक्स्ट पे जाएं, न्यू सेलेक्ट करें, इंसर्ट पे जाएं, और फिर उसके शॉर्टकट को टाइप करें यहाँ पे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। एडी को टाइप करने के बाद F3 के बटन को एक बार प्रेस कर दें जिससे कि आपकी लाइन जो ऑटो टेक्स्ट में सेव किया था वह आ जाएगी। इस तरह से आप ऑटो टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। अब आप चेंज विकल्प की मदद से अपने डॉक्यूमेंट में कुछ रिकॉर्ड करके दिखाएं और बताएं कि अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट में कुछ नया टाइप करेगा तो क्या होगा। अगर कोई समस्या है तो वीडियो को देखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि चेंज ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, एडिट पे जाएं, चेंज ऑप्शन को सेलेक्ट करें, उसके बाद कुछ टेक्स्ट को डिलीट करें बैकस्पेस की के द्वारा, फिर आप कुछ टेक्स्ट को टाइप करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। एडिट पे जाएं, चेंजेस पे क्लिक करें, शो पे क्लिक कर दें। अब देखिए कि यह
हाइड हो गया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोबारा से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें, एडिट पे जाएं, चेंजेस पर क्लिक करें, शो पर क्लिक कर दें। जिससे कि आपको वह चेंज किया हुआ टेक्स्ट शो हो जाता है। एडिट पे जाएं, चेंज पर क्लिक करें, रिकॉर्ड सेलेक्ट करें, फिर चेंज पर जाएं, शो पर क्लिक कर दें। देखें कि अब वह हट गया, हाइड हो गया। तो इस तरह से आप चेंज विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। अब आप डेट, टाइम, पेज नंबर, अथर इत्यादि को इंसर्ट करके दिखाएं और फिर उनसे शेडिंग को हटाकर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फील्ड नेम शेडिंग का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को इंसर्ट पे लेकर जाएं, फील्ड पर क्लिक करें, डेट पर क्लिक कर दें। देखें डेट के साथ पीछे इसके शेडिंग भी आ रहा है। व्यू पे जाएं, क्लिक करें, फील्ड नेम पर क्लिक कर दें, जिससे कि देखें अब आपका डेट हट गया, अब वहां पे नाम आ गया, डेट फिक्स। इंसर्ट पे जाएं, फील्ड पर क्लिक करें, टाइम को इंसर्ट करें, अब देखें वहां पे टाइम फिक्स आ रहा है। फील्ड पे जाएं, पेज नंबर पर क्लिक कर दें, देखें अब वहां पे पेज नंबर के बजाय पेज नंबर लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने फील्ड नेम को सेलेक्ट किया हुआ है। इसको लाने के लिए दोबारा से व्यू विकल्प पे जाएं, फील्ड नेम पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपका डेट, टाइम, पेज नंबर शो हो जाएगा, यानी आ जाएगा। व्यू पे जाएं, फील्ड सेटिंग को सेलेक्ट कर लें, देखें अब आपके फील्ड नेम जो भी हैं उनके पीछे का सेटिंग हट गया। दोबारा से व्यू पर जाएं, फील्ड सेटिंग पे क्लिक कर दें, देखें अब यहां पे शैडो आ गया। दोबारा से जाके फील्ड सेटिंग पर क्लिक कर दें, फिर सेटिंग हट जाएगा। इस तरह से आप फील्ड सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं या फील्ड नेम का उपयोग कर सकते हैं। अब आप ब्लॉक एरिया की मदद से आप अपने पैराग्राफ के कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि सिलेक्शन मोड विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को एडिट विकल्प पे लेकर आए, उसके बाद सिलेक्शन मोड पे जाएं, ब्लॉक एरिया को सेलेक्ट कर लें। अब अपने किसी लाइन को सेलेक्ट करें, उसके सेलेक्ट करने के बाद उसको नीचे की तरफ लेकर आए, देखें कि ठीक उसके बराबर में ही नीचे की तरफ सेलेक्ट होता जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन मोड का ब्लॉक एरिया से ऐसे सेलेक्ट होता है, स्टैंडर्ड से आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। इस तरह से आप सिलेक्शन मोड का उपयोग कर सकते हैं। अब आप साइड बार को हाइड करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें।
आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि साइडबार विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। व्यू पे जाएं, क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे साइडबार लिखे हुए विकल्प पर क्लिक कर दें, जिससे कि जो साइड में बॉक्स आ रहा था वह हट जाएगा। दोबारा इसे शो करने के लिए आप अपने पॉइंटर को व्यू विकल्प पे लेकर जाएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। साइड बार पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपके साइड में वह टेक्स्ट आ जाएगा। आप यहां से भी इसे हाइड कर सकते हैं, फिर यहीं पे क्लिक करके इसे शो भी कर सकते हैं। इस तरह से आप साइड बार विकल्प को हाइड और शो कर सकते हैं। अब आप सभी अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखाएं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अपनी फाइल को क्लोज करें और कंप्यूटर को शटडाउन करें। आज की क्लास में आपने एडिट और व्यू मेनू के कुछ विकल्प का अभ्यास किया, जैसे कि चेंज, ऑटो टेक्स्ट, सिलेक्शन मोड, फील्ड नेम, फील्ड सेटिंग इत्यादि।